हाय दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो मैंने स्पेशली आपके लिए, कोई पढ़ाई नहीं होगी इस सेशन में, कोई भी जनरल नॉलेज की बात नहीं होगी, कोई मोटिवेशन की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप अपने आप को इंडियन कहते हैं तो इस सेशन को आप पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है? क्योंकि आज का जो सेशन है वो स्पेशली मैंने एकदम ट्रेंडिंग अभी के टॉपिक पे बनाया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है ये टॉपिक, ठीक है? और इसलिए ये पूरा एंड तक देखिएगा। सो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है लेट्स बॉयकॉट चाइना। देखिए, चाइना को जो है, चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं, चाइनीज़ ऐप होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें बैन करवाना पड़ेगा, बॉयकॉट करवाना पड़ेगा। अब बैन तो कर नहीं सकते क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, तो इसलिए बैन तो कर नहीं सकते। लेकिन अगर नागरिकों ने कुछ कर दिया, अगर सिटीजन्स अपनी तरफ से लेते नहीं है, तो ये हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है एजुकेटेड एजुकेशन, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे भी मैं आपके लिए लाइव आता हूँ हर सैटरडे 5:30 बजे। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले मैं, क्यों है ये वीडियो और क्या है। देखिए, नाउ सोनम वांगचुक के बारे में कितने लोगों ने सुना है? अगर सुना है तो यार लाइक ठोको। तो देखिए क्या है, थ्री इडियट्स अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो उसके अंदर फुनसुक वांगडू नाम का एक कैरेक्टर देखा होगा, और वो जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर है जो कि आमिर खान ने प्ले किया था, वो एक्चुअल में किस पे बेस्ड है? सोनम वांगचुक जी के कैरेक्टर पे बेस्ड है। ओके, सो सोनम वांगचुक द इंस्पिरेशन बिहाइंड द थ्री इडियट्स फुनसुक वांगडू कैरेक्टर हैज अर्ज्ड इंडियंस टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो ये जो है, ये बहुत ज़्यादा एक इनोवेटर है, एक एजुकेटर है, एक टीचर है, एक कई सारे इन्वेंशंस भी करते हैं ये छोटे छोटे, और हमारे इंडियन आर्मी को और इंडियन सिटीजन्स को किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प करते रहते हैं। तो इन्होंने जो है, अभी अभी आपने शायद कहीं ना कहीं न्यूज़ पे या यूट्यूब पे ज़रूर इनका वीडियो देखा होगा कि ये जो है इंडियंस को अर्ज कर रहे हैं, मतलब उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाए। अच्छा, ये क्यों है? देखिए, इसके पीछे का बैकग्राउंड, पहली बात तो ये है कि इंडिया चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। स्टैंड ऑफ मतलब उनके बीच में एक थोड़ा सा विवाद चल रहा है, भले ही कोई फायरिंग वगैरह नहीं चल रही हो, लेकिन एक्चुअल में जो है कुछ विवाद चल रहा है अभी, और आज या कल मेजर जनरल की मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारी मीटिंग्स है और कई सारा विवाद है ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो देखिए क्या है, चाइना ने जो है ना, सारे कंट्रीज़ को, पूरे दुनिया को हमेशा लॉस में ही डाला है। आंखें बंद करके मैं ये बोल सकता हूँ, लॉस में ही डाला है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या दे सकता हूँ मैं? देखिए, हाल फिलहाल का एग्जांपल देखे तो COVID-19 वायरस देकर, ठीक है, अगर आपको बहुत पहले का एग्जांपल देखना है तो 1962 में इंडो चाइना वॉर में इंडिया का पूरा अक्साई चिन एरिया उन्होंने हड़प लिया है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का चाइना ने हड़प लिया है, पूरे के पूरे तिब्बत को उन्होंने हड़प लिया। ओके, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाइना को बॉयकॉट करने का समय आ गया है, क्योंकि चाइना दुनिया को जब भी देता है कुछ ना कुछ बुरा ही देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है कि आप ज़रूर ये सब आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, छोड़िएगा मत। His call comes as social media campaigns on boycotting Chinese products have again gathered force in the context of the India-China standoff at the line of actual control. मतलब ये जो boycotting the Chinese products है, ऐसा social media पे कई सारे campaigns चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी पिछले महीने में TikTok को बैन करो, TikTok के लिए ये प्ले स्टोर पर क्या क्या किया था वो आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे campaigns चल रहे हैं। The larger context is recent government calls for promoting domestic इंडस्ट्री। तो आपने अगर मोदी जी का एक भाषण सुना होगा हाल फिलहाल का ही, तो उन्होंने उस भाषण में कहा था कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना है, मतलब जो इंडियन कंपनीज है उनका हमें प्रचार करना है। ठीक है, उनको हमें स्प्रेड करना है, और जो ये जो बाहर की कंपनियां होती है, स्पेशली जो चाइनीज़ कंपनियां हैं, उनको हमें बॉयकॉट करना है। सो देखिए क्या है, गवर्नमेंट जो है वो भी हमें कह रही है कि इंडियन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और बाहर की चीज़ों को नहीं, क्योंकि इसका मेन मकसद इतना ही है कि देखिए, कोरोना वायरस कितना भी हमारे लिए हार्मफुल हो, लेकिन एक चीज़ तो है कि COVID-19 ने इंडिया के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दी है, कि इंडिया जो है वो अब बाकी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकता है।
क्योंकि इंडिया हैज़ अ बेटर कंडीशन देन द यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर आप कह लो ब्राज़ील कह लो, या फिर चाइना से भी कह लो। एक्चुअली क्या है पता है क्या, चाइना के अंदर है ना जितने केसेस वो दिखा रहे हैं 80-85 हज़ार, उससे कई ज़्यादा है, इतना तो मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ। क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा है। ओके, आप बोलोगे इंडिया में भी करप्शन है, लेकिन इंडिया से भी ज़्यादा करप्शन चाइना में है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स को कुछ बताती ही नहीं है। सिटीजन सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो बंधुआ मजदूर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लेबर, ठीक है, कौन सा ये बॉन्डेड लेबर, वैसे काम कर रही है, सिर्फ काम कर रही है और गवर्नमेंट उससे बेनिफिट ले रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चाइना जो है इसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और स्पेशली इन्होंने जो कोरोना वायरस दिया है इसकी वजह से यूएस के साथ इनके संबंध टूट गए हैं, और यूरोपीय देशों के साथ इनके संबंध टूट रहे हैं। इसकी वजह से जो चाइना के अंदर आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब चाइना में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पर बनाए जाते हैं। ओके, और ये सब जो है अब इंडिया में शिफ्ट होगा, ऐसी बहुत बड़ी उम्मीद जागी है। क्योंकि देखिए हम इसके दो एग्जांपल्स ले सकते हैं। पहली बात तो यूएस ने प्रॉमिस किया है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मोदी जी को प्रॉमिस किया है कि हमारी कई सारी कंपनीज चाइना से हटके इंडिया में प्लांट्स लगाएंगी। अगर जापान की बात करें तो जापान ने अपनी कंपनीज को बोला है कि चाइना से अपने प्लांट हटाओ, हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको कि चाइना का काफ़ी नुकसान हुआ है इसके अंदर, और इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ़ायदा होने का चांस है। और अगर आप लोग इस पे हेल्प करें, आप लोग जो है बिना बॉर्डर पे जाए चाइना को हरा सकते हैं, और वो कैसे हरा सकते हैं, बाय द बॉयकॉटिंग ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। देखिए मैं ऐसी खोखली बातें नहीं करता हूँ, मैं अपने पूरे आंकड़े लेके आया हूँ, ठीक है, पूरा आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि क्या क्या कितना कितना है। देखिए बिफोर यू क्वेश्चन व्हाट डिफरेंस कैन कैंपेन फॉर बॉयकॉट चाइनीज ऐप्स मेक, अगर हम सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट्स छोड़ के चाइनीज ऐप्स की ही बात कर ले, तो अगर हम इसकी बात करें इससे क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ थिंक अबाउट द नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में कितने स्मार्टफोन यूजर्स है, 1 बिलियन से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा। ओके, एंड यू कैन सी, थिंक अबाउट हाउ इंडियन स्पॉइल टिकटॉक रेटिंग्स इन जस्ट अ फ्यू डेज, सिर्फ थोड़े ही दिनों में टिकटॉक की रेटिंग्स 4.4, 4.6 से हमने 1.3 तक हमने ला दी थी। तो देखिए कितनी पावर है इंडिया के पास, हमने 4.3, 4.4 जो थी रेटिंग टिकटॉक की, उसे डाउन टू 1.2, 1.3 ला दिया। तो देखिए इतना हमारे पास पावर है, हम कुछ तो कर सकते हैं। भले ही प्ले स्टोर ने आगे बढ़ के ये सब रेटिंग्स हटाई क्योंकि चाइना ने उन पर दबाव डाला, आप कुछ नहीं कर सकते वो भी, है कि नहीं। रिमेंबर दैट अप्रॉक्सीमेटली 39% ऑफ टिकटॉक ग्लोबल यूजर्स आर इंडियंस, मतलब करीब करीब 40% हिस्सा इंडिया में है। जितने टिकटॉक यूजर्स दुनिया में है उनमें से 40% ऑलमोस्ट सिर्फ इंडियंस है। Think about the losses that the companies will incur if we boycott Chinese apps, not one but all. अगर हम सिर्फ और सिर्फ TikTok की बात ना करके अगर हम सारे Chinese apps को boycott करें तो देखिए कितना नुकसान होगा, वो आप सोच सकते हो उनको। देखिए 40% उनका जो पैसा आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है, तो अगर 40% पैसा उनका आना कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ओके, सो सी द नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंडियन अल्टरनेटिव्स टू द चाइनीज ऐप्स। अब ये हम क्या कर सकते हैं, हम चाइनीज ऐप्स को तो हटाएंगे नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं जैसे कि टिकटॉक यूजर्स, तो बाप रे बाप बहुत टिकटॉक यूजर्स है जो निकालते ही नहीं है अपने मोबाइल से। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि टिकटॉक के लिए और कई सारे चाइनीज ऐप्स के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस भी है, ठीक है, और वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहली बात, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी आंकड़े दिखाऊंगा, आई विल शो यू द नंबर्स। देखिए ट्रेड डेफिसिट का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा। ओके, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि एक कंट्री को ट्रेड की वजह से दूसरी कंट्री से कितना लॉस झेलना पड़ रहा है। ओके, लॉस झेलना पड़ रहा है का इन द सेंस, अगर आप जो सेकंड वाला चार्ट है ये देखेंगे, ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर का जो है ना ये वाला बार ग्राफ, ये है चाइना का, और ये जो ब्लू वाला है ये इंडिया का, ये देखिए, और इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, ये वाला जो येलो वाला दिख रहा है ना ये इंडिया के लॉस है, तो इंडिया को कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, ये दिखाता है। ओके, नाउ एक्सपोर्ट्स टू चाइना, मतलब इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, ओनली 14.82,
बिलियन डॉलर्स का। और चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, 51.03 बिलियन डॉलर्स। तो 14 और 51 के बीच में आपको फ़र्क पता होगा, 36, ठीक है, 36.21 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है इंडिया को। ओके, अगर आप 2013-14 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ट्रेड डेफिसिट और भी बढ़ गया, 15-16 की बात करें और भी बढ़ गया। तो ट्रेड डेफिसिट मतलब हमें नुकसान और ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, और जो चाइनीज़ लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स और कम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले 14 बिलियन डॉलर था वो और कम होके 11 और फिर और कम होके 9 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। तो इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है इंडिया को, और इस नुकसान से आप ही लोग बचा सकते हैं। देखिए एक पूरी चेन होती है, वो चेन भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बिलियन डॉलर्स में अगर आप देखते हैं, तो अगर आप देखें तो ये 2001 से लेकर 2018 तक है। तो 2001 में हमारा ये जो ये था, क्या कहते हैं, हमारा जो लॉस था वो ज़ीरो के बराबर था, लेकिन 2018 में हमारा लॉस यहाँ पे 60-70 बिलियन डॉलर्स के बीच में पहुँच गया। तो इतना ज़्यादा लॉस कैन बी अफोर्ड, आप सोचो कितना लॉस हो रहा है। द बिग गल्फ इन इंडिया चाइना ट्रेड, ओके, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016-17 की बात करें तो यहाँ पे 10.2, यहाँ पे 61.3, यहाँ पे 51.1 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। 2017-18 की बात करें 63 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इतना ज़्यादा नुकसान इंडिया को झेलना पड़ रहा है और उतना ही प्रॉफिट चाइना को हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा है, कितना डिफरेंस है, कितना लॉस है इंडिया को इसके अंदर। तो अब आप कर क्या सकते हैं, पहली बात तो और भी कई सारे ये है, जैसे कि आप देखिए अमूल ने जो है, अमूल कंपनी आपको पता होगी, दूध की कंपनी, किसे नहीं पता इंडिया में, है कि नहीं। उसने एक पोस्टर छपवाया, एग्जिट द ड्रैगन अमूल मेड इन इंडिया, ठीक है, ये वाला पोस्टर छपवाया उन्होंने। और चाइना ने क्या किया, चाइना ने ट्विटर को बोल के अमूल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करा दिया। तो देखिए क्या चल रहा है चाइना की ओर से। चाइना में इंडिया के बारे में कुछ भी बोला जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि चाइना के खिलाफ कुछ भी बोले कि चाइना उसे ब्लॉक करा देगा। ये क्या बात हुई, है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज ऑफिशियल विकिपीडिया वेबसाइट, मैंने खुद इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ये, ओके, मेरा खुद का ये है। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, इंडिया फेसेस ट्रेड इम्बैलेंस हैविली इन फेवर ऑफ चाइना। हैविली ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस, बहुत ही ज़्यादा नुकसान। इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैव रिपीटेडली रिपोर्टेड चाइनीज मिलिट्री इंकर्जेंस इनटू इंडियन टेरिटरी। मतलब चाइना की जो आर्मी है वो भी इंडिया में बार बार आती जाती रहती है। इंडिया रिमेन्स वेरी अबाउट चाइना स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक बायोलैटरल रिलेशंस विद पाकिस्तान। आपको पता होगा कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और चाइना पाकिस्तान का साथ देता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्यों बायकॉट करना है, अब तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखिए और क्या क्या किया चाइना ने, वो भी देख लीजिए। ये ऐप, ये सिम्बॉल याद है, किसी ऐप का सिम्बॉल याद है, ये जो ऐप है इसे हम कहते हैं रिमूव चाइना ऐप्स। इस नाम का एक ऐप जारी हुआ था प्ले स्टोर पे। जैसे ही चाइना को भनक लगी कि ये प्ले स्टोर पे आया है, चाइना ने ये ऐप हटवा दिया प्ले स्टोर से। तो देखिए इतना नालायकपना है, इसे कहते हैं नालायकपना, लिटरली हलकटपना कह सकते हैं। सो टॉप चाइनीज ऐप्स इन इंडिया, देखिए आपको पता होगा सबसे टॉप तो टिकटॉक चल रहा है, पबजी चल रहा है, ये सारे ऐप्स चाइनीज है, इन्हें डिलीट करो, ऐप लॉक, फिर वी मेट, फिर बैटल ऑफ एम्पायर्स, स्कैम स्कैनर के बारे में तो सबने सुना होगा, जेंडर सबने सुना होगा, इसके बारे में तो यूसी ब्राउजर सबने सुना होगा, ये सारे ऐप शेयर इट, ये तो बहुत ही प्रचलित से नाम है, सबने सुना होगा, ये सारे चाइनीज ऐप्स है, इन्हें डिलीट करो। ये देखिए ये पबजी है, ये कैम स्कैनर है, ये हमारा क्लीन मेट जिसे हम कहते हैं, ये यूसी ब्राउज़र, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो ऐप, ये सारे ऐप जो है चाइनीज़ है, इन्हें डिलीट करो। मैंने आपके लिए इंडियन अल्टरनेटिव्स भी लाए हैं कि इंडिया ने भी कुछ ऐप्स बनाए हैं इनके जगह पे आप जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर टिकटॉक है, टिकटॉक की जगह बोलो इंडिया नाम का एक ऐप है, रोपोसो नाम का एक ऐप है, शेयर चैट नाम का एक ऐप है। देखिए टिकटॉक के लिए तो तीन तीन ऑप्शन है आपके पास,
तीनों ट्राई करके देखो, आपको कोई एक ना एक जरूर अच्छा लगेगा, और तीनों इंडियन है, दिस इज द गुड थिंग। ओके, सो तीनों ट्राई करके देखो। अगर आप यूसी ब्राउजर की बात करें तो यूसी ब्राउजर की जगह एपिक इंडियन वेब ब्राउजर है, जियो ब्राउजर है, तो ये सब इंडियन वेब ब्राउजर है, यो ब्राउजर है, ये सारे इंडियन है। उसके बाद ब्यूटी प्लस चाइनीज ऐप है ये, ठीक है। ब्यूटी प्लस की जगह अगर आप कैमरा प्लस को इस्तेमाल करते हैं, इंडियन सेल्फी कैमरा को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। देखिए यू कैम चाइनीज ऐप पे, उसकी जगह पे इंडियन सेल्फी कैमरा, ये ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शेयर इट इस्तेमाल करते हैं तो उसे डिलीट करके जियो स्विच इस्तेमाल कीजिए। अगर आप शेयर इट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह पे शेयर ऑल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पबजी यूज़ करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स अकट अबाव, ये गेम का आप डाउनलोड करके देखिए, आपको मज़ा नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है। तो एक बार ये गेम को जरूर डाउनलोड करके देखना, उसमें बहुत मज़ा आता है। नाउ ग्रैंड बैटल रॉयल, ठीक है, ये नाम का है, ये पिक्सल FPS की जगह ले सकता है। देन शीन क्लब फैक्ट्री जो है चाइना के ऐप, इसकी जगह पे फैबेली नाम का इंडियन ऐप ले सकते हैं। देन अजियो, बेवकूफ़, कोव्स, स्टॉक बाय लव, देन साल्ट अटायर, देन पैंटलून्स, फिर उसके बाद लाइम रोड, बुनाई, ये सारे ऐप्स जो है ये शॉपिंग के लिए है, ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये सारे ऐप्स का आप इस्तेमाल कीजिए और चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट कीजिए, प्लीज़। मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है और आपका कर्तव्य भी है कि आपको ये सब चीज़ें डिलीट करनी चाहिए। ओके, और भी आप देखिए, देखिए कैम स्कैनर की जगह ऑफिस लेंस, आपको पता है कि ये वाला जो ऑफिस लेंस नाम का ऐप है ना, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ एंड इट इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। भले ये इंडियन नहीं है लेकिन अमेरिकन है, ओके, एंड अमेरिका इज़ नॉट आर एनिमी। तो इससे आप ऑफिस लेंस ये इस्तेमाल करो, बहुत ही अच्छा ऐप है इंस्टेड ऑफ कैम स्कैनर। अगर टिकटॉक इस्तेमाल करते हो तो उसकी जगह मित्रो ऐप इंस्टॉल करो, बहुत अच्छा है। अगर शेयर इट इस्तेमाल करते हो तो जियो स्विच का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा है। अगर जेंडर इस्तेमाल करते हो तो गूगल का फाइल्स गो है, इसे इस्तेमाल करो। अगर ब्यूटी प्लस का इस्तेमाल करते हो तो इंडियन सेल्फी कैमरा का इस्तेमाल करो। क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हो, मैं खुद खेला करता था, मुझे पता नहीं था इसलिए, अब मुझे पता चला है, अब मैं सब डिलीट करता हूँ। क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हो, कैसल क्लैश खेलो, ठीक है, ये सब इंडियन और बाकी के देशों के अल्टरनेटिव्स हैं। अगर लाइकी इस्तेमाल करते हो तो उसकी जगह मीम लाइव इस्तेमाल करो। अगर यूसी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हो तो ओपेरा मिनी इस्तेमाल करो, क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करो, ठीक है, लेकिन ये सब इस्तेमाल मत करो। ओके, अगर हम और आगे देखें, और भी है, आपको और ऑप्शन चाहिए मैं और देता हूँ। जियो स्विच हो गया, फाइल्स बाय गूगल हो गया, शेयर ऑल हो गया, ये तीनों शेयर इट और जेंडर जो है उसके लिए अल्टरनेटिव्स है, मतलब ऑप्शंस है। अगर कैम स्कैनर के लिए बोलो तो एडोब स्कैन है, माइक्रोसॉफ्ट लेंस है, और डॉक स्कैनर भी है, डॉक स्कैनर इज एन इंडियन ऐप, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यूसी ब्राउजर की बात करें तो जियो ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, इसका इस्तेमाल करो। टिकटॉक, हेलो, लाइकी, इनकी जगह रोपोसो, मित्रो, यूट्यूब और इंस्टा भी तो अच्छा ही है। इंस्टा इज लाइक टिकटॉक ओनली, बस टिकटॉक में कुछ एडिशनल फीचर्स है। आप थोड़े से फीचर्स गंवा के इंडिया का कुछ फ़ायदा नहीं करा सकते क्या? आपको टिकटॉक की इतनी पड़ी है कि आप इंडिया के बारे में भूल जाओ? दिस इज़ नॉट फेयर। तो इसलिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल करो, इंस्टा का करो, इंस्टा इज़ बेटर आई थिंक इंस्टेड ऑफ टिकटॉक। अगर जूम की बात करो तो जूम तो एक्चुअली हार्मफुल भी कहा गया है, तो उसकी जगह से नमस्ते, ये इंडियन ऐप है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम और गूगल मैट, ये अमेरिकन ऐप्स है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वेरी गुड क्वालिटी ऐप। अगर क्लब फैक्ट्री की बात करो तो ये भी एक चाइनीज़ ऐप है, इसकी जगह पे फ्लिपकार्ट इंडियन है, टाटा क्लिक इंडियन है, और अमेजॉन अमेरिकन है, ये तीनों का इस्तेमाल करो। यू डिक्शनरी चाइनीज़ ऐप, इसकी जगह पे इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी इंडियन ऐप का इस्तेमाल करो। देखिए पैरेलल स्पेस जो कॉपी पेस्ट करने के लिए लेते हैं, उसकी जगह ऐप क्लोनर का इस्तेमाल करो, क्लोन ऐप का इस्तेमाल करो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप वीवा वीडियो का इस्तेमाल करते हो तो उसकी जगह फोटो वीडियो किंग मास्टर का इस्तेमाल करो, जो कि इंडियन ऐप है, पावर डायरेक्टर का इस्तेमाल करो। फिर ब्यूटी प्लस का इस्तेमाल करते हो तो उसकी जगह लाइटेक्स फोटो एडिटर का इस्तेमाल करो, जो कि इंडियन ऐप है, एंड B612 ब्यूटी एंड फिल्टर कैमरा, इसका इस्तेमाल करो। देखिए अलग अलग मैंने आपको अल्टरनेटिव्स बताए। अब देखिए अगर आप एक सच्ची में अगर आप इंडियन हैं और तो इसकी वजह से आपको क्या करना चाहिए, आपको चाइनीज चीज़ें बॉयकॉट करनी चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, क्योंकि उनको भी इसके बारे में पता चले, ठीक है। अब ऐप्स की बात तो हो गई, अब ऐप्स की जगह पे आप अगर प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो इंडियन प्रोडक्ट्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स में भी आप फर्क कर ही सकते हो। जैसे हमारा जो मोबाइल्स है, कई सारे मोबाइल्स चाइनीज होते हैं,
इंडिया में 70% 80% तक चाइनीज़ मोबाइल्स हैं, तो उनकी जगह पे आप सैमसंग एप्पल जैसी कंपनीज के मोबाइल्स इस्तेमाल करो। आप बोलोगे महंगे हैं भैया क्यों इस्तेमाल करें, तो मैं बोल देता हूँ जो चीज़ आपको थोड़ी सी महंगी लग रही है वो इंडिया के लिए बहुत महंगी बन जाती है। ओके, देखिए कैसी चेन होती है, कैसी चेन होती है। अगर आप एक कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट को डिमांड बंद कर दी, तो क्या होगा, वो शॉपकीपर भी वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ठीक है, शॉपकीपर कहाँ से खरीदेगा, होलसेलर से खरीदेगा, तो होलसेलर को अगर डिमांड नहीं मिल रही तो होलसेलर भी नहीं खरीदेगा। ठीक है, और होलसेलर कहाँ से खरीद रहा था, होलसेलर डायरेक्टली चाइना से मंगा रहा था, तो ये जो इम्पोर्ट का सामान था ये इम्पोर्ट भी नहीं होगा, और उसके बाद क्या होगा, चाइना जो है चाइना का नुकसान होगा, क्योंकि चाइना के लिए डिमांड ही नहीं मिल रही। चाइना बोलेगा कि यार इंडिया के लोग तो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हमारे तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अगर चाइना का नुकसान कराना है, अगर आप चाहते हो कि चाइना का नुकसान हो और इंडिया का फ़ायदा हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग इस्तेमाल करना बंद करेंगे तभी चाइना पे कुछ असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस टॉपिक, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे, अगर आप बाज़ार से कुछ टॉयज़ खरीदते हो जो चाइनीज़ है, या फिर स्पेशली अभी स्टूडेंट्स की बात करें तो इंक पेन जो है वो काफ़ी चाइनीज़ मिलते हैं, अगर आप और भी चीज़ें स्टेशनरी चाइनीज़ खरीदते हो जैसे कि कलर्स का बॉक्स होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप चाइनीज़ खरीदते हो तो उसे बंद करो। आपके पास घर पे चाइनीज़ सामान है उसका इस्तेमाल करो, लेकिन आगे से चाइनीज़ मत खरीदना, ये मैं कह रहा हूँ। ओके, सो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी मिलने दो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरे साथ बात करनी है पर्सनली तो मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे मेरा इंस्टा अकाउंट है, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर, और ज़रूर मुझे कमेंट्स में डालना कि आपको इसके बारे में क्या लगता है, कैसे लगता है। ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया था, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपका ऑल टाइम ना लेते हुए आई एम एंडिंग द सेशन नाउ, और अगर आप अपने आप को इंडियन समझते हो तो ज़रूर इन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट करना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय दोस्तों।